चुनाव लड़ना हर लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। लोकतंत्र ही कोई राजशाही नहीं है, वहाँ की जनता डिसाइड करती है कि कौन उनके लिए बेस्ट है। मनीष कश्यप को कौन सी पार्टी टिकट दे। पिछली बार जो सरकार बनाई थी महागठबंधन की, वो चोरी से बनाई हुई सरकार, आरजेडी का जंगल राज लोग भूले नहीं। बिहार में भी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा ना। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। और आज हम दिल्ली के एक चांदनी चौक इलाके में हैं। जैसा कि मनीष कश्यप ने बोला है कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई पार्टी हमें टिकट दे या ना दे, हम फिर भी चुनाव लड़ेंगे बिहार की जनता के लिए, क्योंकि बिहार की जनता का सपोर्ट हमारे पास बना हुआ है। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि मनीष कश्यप ने जो बोला है, क्या वो सफल हो पाएंगे चुनाव में या नहीं हो पाएंगे, बताइए। देखिए, मनीष कश्यप जी ने जो बोला, चुनाव लड़ना हर लोकतंत्र में सभी का अधिकार है। सफल होना ना होना वो वहाँ की जनता डिसाइड करती है। लोकतंत्र है ये, कोई राजशाही नहीं है। वहाँ की जनता डिसाइड करती है कि कौन उनके लिए बेस्ट है। मुद्दों पे जो बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा, जाहिर सी बात है जनता वहाँ उसको प्रेफर करेगी। आपको क्या लगता है इसमें कौन सी पार्टी उन्हें टिकट देगी? देखिए, पार्टी एक एनडीए में अगर वो जाते हैं तो एनडीए के में आपकी वहाँ पे 4 से 5 पार्टियों के साथ में गठबंधन है, तो वहाँ देखने वाली बात होगी जैसे ही अभी वो किस सीट से लड़ना चाहते हैं। और एनडीए में सीट्स का बंटवारा कल तक डिक्लेयर हो जाएगा। कल लोकसभा चुनाव की तारीख की भी घोषणा होनी है और कल तक बिहार के जो एनडीए के सीटों का गठबंधन है में जो सीटों का बंटवारा है वो क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद देखते हैं कि किस सीट से लड़ रही है, उसके बाद डिसाइड ही होगा कि अगर मनीष कश्यप को कौन सी पार्टी टिकट देती है कौन नहीं। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव का जो सरकार गिरा उसमें कुछ मनीष कश्यप का हाथ है? क्योंकि उन्होंने बोला था अगर मैं तेजस्वी जी जेल गया तो जेल से निकलते ही 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका सरकार में गिरा दूंगा। 180 दिनों का टाइम दिया था उन्होंने और वो हकीकत है। देखिए, सीधी सी बात है, ये जो पिछली बार जो सरकार बनाई थी महागठबंधन की, वो चोरी से बनाई हुई सरकार थी। नीतीश कुमार जी की कुछ महत्वाकांक्षाएं थी कि प्रधानमंत्री बनने की, जो बीच बीच में हिलोरे मारने लगती हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि जो पार्टी अभी उनकी पार्टी बिहार की 40 सीटों पे भी चुनाव नहीं लड़ती है, तो 17 सीटों पे चुनाव लड़ करके कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। बहुमत का खेल होता है, पार्टी रह गई, राष्ट्रीय पार्टी नहीं। पहले तो उनको राष्ट्रीय बनना पड़ेगा, मगर उनको गलतियों का एहसास हुआ, वो वापस एनडीए में आए। जो इनकी जो 17 महीने की जो सरकार चली, 17 महीने की सरकार के अंदर में जंगल राज रिटर्न सा हो गया था। और 9वीं फेल अगर डिप्टी सीएम बनेंगे तो प्रदेश विकास नहीं करेगा, कुल गिरेंगे ही गिरेंगे। आप नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। बिहार की जनता तो उन्हें पलटू राम, ना जाने पलटू लोटा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आपको बता दूं, 2005 में जब नीतीश कुमार जी प्रथम बार सीएम बने थे, उससे पहले बिहार में 15 साल तक आरजेडी की सरकार थी और आरजेडी का जंगल राज लोग भूले नहीं है। नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन की जो सरकार आई 2005 में, 2013 तक की जो सरकार रही, 7 साल 8 साल जो सरकार चली, उन्होंने बिहार की परिस्थितियों को बहुत सा चेंज किया। मगर 2014 में 13 में लोकसभा चुनाव के समय का चुनाव जो था, वो गठबंधन में लड़ने के बाद ये पार्टी से गठबंधन टूट गया था, तो इन्होंने महागठबंधन में जो चुनाव लड़ा उसके बाद बिहार वापस उसी पुराने ढर्रे पे जाना शुरू हो गया था। और बिहार की जनता जो बहुत करीब से जिन्होंने देखा है कि वहां पर एक परिवार विशेष का ही डेवलपमेंट हुआ, लालू परिवार का ही हुआ। उन्होंने 15 साल की सरकार में जब खुद चारा घोटाले में जेल में गए तो क्या किया उन्होंने? क्या आरजेडी में कोई दूसरा नेता नहीं था जो काबिलियत रखता हो मुख्यमंत्री बनने की? तब उन्होंने क्या किया, अपनी अनपढ़ पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया और शान से कहते थे, का हुआ हम तो जेल में हैं, मगर हमारी जो मुख्यमंत्री भी हमारे पांव दबाती है। तो ये आप बिहार की जनता का अपमान करते थे। तो जनता भूली नहीं है, जनता ये भी नहीं भूली है कि आपने बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, तभी तो बिहार में जो विकास दर है वो भी नीचे रही, रोजगार ना के बराबर रहे। पर आप देख ही रहे हैं, अभी बिहार में एक नए अभी सेतु, महात्मा गांधी सेतु पटना में उद्घाटन हुआ, उससे पहले अटल पथ, तो ये सारी चीजें हैं, डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में। जहाँ पे दिन में निकलने में डर लगता था,
अराजकता इतनी फैला रखी थी वो काफी हद तक कंट्रोल है। और अभी तो देखिए गठबंधन की सरकार है, काम कर रही है, आने वाले टाइम में थोड़ा और अच्छा ही होगा आई होप। और बिहार की जनता को, किसी भी प्रदेश की जनता को क्या चाहिए? स्वच्छ जल, वायु, रहने को घर, भोजन और रोजगार। क्या लगता है अभी जो बीजेपी सरकार बनाई है वहाँ पे गठबंधन में, क्या ये सरकार करप्शन कम कर पाएगी बिहार में? क्योंकि बिहार में सुनने में आता है आए दिन मर्डर, कभी इसका मर्डर, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। देखिए कोई भी सरकार आए देश में, क्या किसी भी राज्य कंट्री में हो, किसी भी प्रदेश में हो, कोई भी सरकार क्राइम को कभी खत्म नहीं कर सकती। यूपी में देखिए क्राइम कम क्या खत्म ही हो गया एक तरह से। अभी अगर यहाँ अभी कुछ हो जाता है 10 मिनट में एक्शन लिया जाता है। अब बिहार में बात कीजिएगा, यहाँ अभी कुछ हो गया 10 दिन यही रहेगा, कुछ कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है बिहार में। सर तो उत्तर प्रदेश में जो है वो एक ही पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, दबाव में नहीं आती। बिहार में भी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा ना तो उत्तर प्रदेश जैसा ही होगा जैसा कि असम में भी होता है। या तो कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार एक ही आदमी का हो तो सरकार काम कर पाती है, अगर गठबंधन में आएगी तो वो फंस जाती है। गठबंधन में देखिए सभी की राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, कुछ राजनीतिक मजबूरियों के चलते कई बार एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अभी उत्तर प्रदेश में आप 2017 से पहले क्या आप उम्मीद करते थे कि अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसे लोग जेल में होंगे? मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए तो पंजाब की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक उनकी पैरवी करती रही कि बीमार है। सरकार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार हुआ करती थी, कोई बात नहीं जी बीमार है ठीक है, कोई कस्टडी में नहीं लेना है। अतीक अहमद को गुजरात की जेल से उत्तर प्रदेश लाया गया, आपने देखा ना क्या हुआ। क्राइम को खत्म करने के लिए क्रिमिनल को खत्म करना जरूरी है, और जब तक शासन प्रशासन का भय क्रिमिनल्स में नहीं होगा क्राइम खत्म नहीं हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स में शासन और प्रशासन का, बाबा के बिल्डोजर का भी खौफ है, इसलिए ऐसा। आपको क्या लगता है इस बार मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, सफल हो पाएंगे वो अपने? देखिए सफल और असफल का मैंने भी आपको पहले ही बताया कि जहां से वो चुनाव लड़ेंगे वहां की जनता तय करेगी कि वो सफल होंगे या नहीं होंगे। बाकी हम तो उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं कि विजयी भव। तो जैसा कि आपने देखा मनीष कश्यप ने जो ऐलान किया था कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा, अब देखा ये जाएगा कि किस पार्टी से उन्हें टिकट मिलती है या फिर वो निर्दलीय लड़ते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।